हमारे ऑफिस में हुआ है ऐसा, ऊपर नीचे कोई होगी फाइल और वो पता नहीं किसकी गलती से हुई, कहां से हुई मुझे नहीं पता, ना मेरे को उस मैटर का पता है बिल्कुल भी, 0% मैं कहूंगा इस मामले में। लेकिन क्या इस बंदे ने पीजीटी का था मामला कोई, एक तो जब एनटीसी आए तो भी सारी कंबाइंड लेके आओ, सारी अपनी फाइल बना के आओ, सारा लेटर बना के आओ, फिर मेरे को 10 कर्मचारी हैं स्कूल के और 10 के 10 ये रिपोर्ट हो गया, डेट वाइज एंट्री हो जाती है उसकी, जो है उसका पता चल जाता है। लेकिन कई बार एक वो मिस हो गया हमारे से, कैसे वो पता नहीं राम जाने इसकी गलती से, मुझे ये भी नहीं पता, उस इंसान ने हमें एकदम से लपेटे में ले लिया, कहता है यहाँ तो रिश्वत चलती है, यहाँ तो ये होता है, यहाँ तो वो होता है, और उसने सीएम को क्या, मुख्यमंत्री क्या, डीओ की भी रिपोर्टिंग कर दी, मेरी डीओ की भी रिपोर्टिंग कर दी, जबकि मैटर हमारी नॉलेज में नहीं था बिल्कुल भी, भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपकी फाइल कहाँ तक होगी, कैसे आपकी सेंक्शन होने से बनाएगी। फिर भी अगर वो एक बार आपके इंसान मिल लेता उसे कि सर देखो पहले वालों की होके चलेगी और मेरी बाकी है, एक बार अपील करना तो उसका फर्ज बनता ही नहीं बनता है भाई, हमारे से अधिकार से मिलने के एक बार फर्ज बनता होगा, आपके साथ कोई अनहोनी हो रही है, जाति हो रही है, आप एक बार तो आवाज दोगे अपनी, दस्तक दोगे किसी को, लेकिन नहीं। चलो फिर भी वो बाद में बहुत सारा हुआ उस मामले में, मैंने उससे बात की थी भाई तुम एक दिन आगे था मेरे पास, मुझे बाद में पता मेरे साथ बात ही चल रही है, बाद में उसे बताया मेरा नाम ये है, फिर मेरे एकदम से बाहर खड़े हुआ था, ये तो आपको मौका वही है जो एलडीसी में जिन्होंने रोड़ा पाया था, तो मुझे सर मेरा रोड़ा जायज था, मुझे सर सारा ठीक है, हमारे घर में देखा हमने चेक कर लिया और ठीक है, आगे से प्रोटीन पर आपने आपकी ओके। अब आप या मैं, आपका अपना परिवार मेरा अपना परिवार, तनख्वाह ले रहे आप अपने काम के लिए, मैं अपने काम के लिए, ठीक है, तो हमारी सबकी जवाबदारी ये है बनती है कि हम उस काम के प्रति वफादारी बरते, 100% काम को पूरा करने का प्रयास करें, क्या तो बड़ी हमें ये सरकारी काम हो रहे हैं किसी के, हम लोग तो बार बार मौके पे ये भी कहते हैं मेरे दूसरा घर का काम है भाई, मेरे दूसरा घर का काम है। अब अगर आप किसी ग्रुप में हो तो आज फिर मैंने एक मैसेज डाला उसमें, एक गूगल फॉर्म भेजा हुआ है, और वो भी जो प्राइमरी गवर्नमेंट प्राइमरी मॉडल संस्कृति स्कूल है उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है, और वो अभी पुरुषोत्तम शर्मा जी आई डी ऑफिस वाले मेरे पास, सर देखो मैं कितनी आपके स्कूलों की रिपोर्टिंग बाकी है, मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो एच टी क्या कर रहा है भाई, वो हेड क्या कर रहा है, वो डी डी ओ क्या कर रहा है, वो जो क्लस्टर हेड है वो क्या कर रहा है, जो डीलिंग है वो क्या कर रहे हैं, एक 8-10 लाइन का गूगल फॉर्म भरने में कितना समय लगता है, सुरेंद्र जी आप बताओ थोड़ा सा, एक गूगल फॉर्म आप भेजते हैं हमारा कितना टाइम लगता है उसको भरने में, इससे क्या पता चलता है कि आप हमको काम चोर है, काम नहीं करना चाहते, मैंने बताया ना पहले इंटरेस्ट या इनिशिएटिव की कमी है हमारे बीच में, भाई हम स्कूल में 9 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे के दरअसल के 4-5 बजे निकलते हैं, हमें ये भी पता है क्योंकि मैंने तो बदर के साथ स्कूल में भी काम किया, तो काम इतना करते हैं, लेकिन कुछ अर्जेंट काम होते हैं जो प्रायोरिटी बेस के होते हैं, देखो काम 4 प्रकार के आएंगे आपके पास, सीधी सी बता देता हूँ, एक होता है टॉप प्रायोरिटी, ठीक है, नंबर 1 में रख दो आप टॉप प्रायोरिटी, सेकंड में उससे कम प्रायोरिटी वाले जिनका कुछ समय होता है, एक होता है आज ही चाहिए हमें इन्फॉर्मेशन, अभी चाहिए, इमीडिएट चाहिए, एज सून एज पॉसिबल चाहिए, टाइम बाउंड से रिलेटेड होते हैं वो रखते हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आप वो रखो जिसमें आपको समय दिया गया है 2 या 3 दिन का या 4 दिन का, हफ्ता दिन 10 दिन का, एक ऐसा भी काम आता है जिसमें हम कहते हैं ठीक अभी आते रहेंगे, 10 दिन बाद आ जाओ, 11 दिन बाद आ जाओ, 1 महीने बाद आ जाओ, ठीक है दोनों फिर सुनो, एक ऐसी भी होती है जो साइलेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो 2 महीने में भी आ जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज पर, ना रिमाइंडर देने की जरूरत ना किसी को उस करने की जरूरत है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कोई डूर डैश की मांग की जाती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग की जाती है, तो आप क्या सोचते हो कि डीओ अपने लेवल पे गूगल फॉर्म क्रिएट करके भेज
नथिंग। ये अगर किसी की सोच है तो गलत सोच है। सारे के सारे ऊपर से आते हैं। हम मैंने पहले कहा मैं मीडिएटर, हम आपको भेज देते हैं, आपको इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। देखिए स्कूल में जो डांट जाती है, डांट की जिम्मेदारी केवल आपके प्रिंसिपल साहब की नहीं है, उससे ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है। आपने मेल को चेक करना है, बकायदा उसको निकालना है, उसको हेड के सामने पुट अप करना है।